तो सबको राम राम जी। आप सोच रहे होंगे कि मेरे गालों में ये पीला पीला क्या लगा है, तो आप सभी को बता दूं ये पीली पीली कुछ नहीं है, पीली पीली हल्दी है। एक्चुअल में क्या है कि मेरे पड़ोस में एक शादी है, और पड़ोस में है तो मेरी बहन की शादी मान लो, तो वो लोग सुबह सुबह आई और मेरे गालों पे ये हल्दी लगा गई। तो हल्दी लगाने के बाद मैं जब सो के उठा था, तो हल्दी लगाने के बाद जैसे ही मुझे होश आया कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है, क्योंकि 26 जनवरी को ब्लॉग शूट नहीं किया था आपके लिए, तो फटाफट से ब्लॉग शूट करने कैमरा उठा लिया और ब्लॉग शूट करने लगा। और कुछ ब्लॉग के कुछ पल मैं एडिट कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, फिर मिलता हूँ। फिर पहले ये क्लिप देख लो आप, फिर देख आगे मिलता हूँ आपसे, ठीक है? तो बने रहना वीडियो में, जाना ना, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बीच में अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना और लाइक तो कर ही देना। तो पहले ये क्लिप देख लो आप कि मेरे घर में जो सामान रखा हुआ था उसका यूज कैसे किया हमने। कल रात का प्रोग्राम था बाहर, वो हमारे घर पे रखा था, तो हम थोड़े से यूज ही कर लें, तो हमारे यूज में आ रहा है अब ये सब चीजें। और इनके मुंह पर भी लगी हल्दी, तो आज कैसा लग रहा तुम्हें इसमें बैठ के? कोई तुम्हारी शादी में तो हुआ नहीं होगा ये सब चीजें? नहीं हुआ था, ये सब हुआ ही नहीं था। है वे सादा सादा हुई था, है ना? तो आजकल के जमाने में ये चलने लगा है। ये पता नहीं काय का बना है, प्लास्टिक का है, काय का है, प्लास्टिक का बना है, प्लास्टिक का है। तो अभी घर में रखा है तो उसी के मजे ले लें। और अभी बैठी है एक, अभी दूसरा नंबर आने वाला है ये ये, देखो। हाँ ये देखो सबरी हल्दी लग गई इनको पूरी। और ये देखिए ये है टफ, इसी में आजकल हल्दी का प्रोग्राम होने लगा है। ये कहते फाइबर का है शायद, इसलिए टूटता नहीं है। घर में जितने भी कैंडिडेट धीरे धीरे स्टप में बैठने का आनंद लेंगे, क्योंकि पुराने जमाने में सब चलता नहीं था और अब चल रहा है। तो प्रीति की मम्मी जो आनंद ले रही है स्टप में बैठ के, पानी नहीं भरती उसमें, पानी तो अभी तुम्हारे जमाने चलता है, सब चीजें चलती थी, हमारे जमाने नहीं चलती, तुम्हारे जमाने तो नहीं चलती होंगी है। तो अभी तुम्हें बैठा दू, चलो। तो देखा आपने कैसी लगी ये क्लिप, तो फटाफट से लाइक कर दो एक वीडियो को, और मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। मेरी चाय आ गई, आपको दिखा दूं, ये मेरी चाय आ गई, मैं चाय पीता हूँ बिना शक्कर की, हालांकि कोई बीमारी नहीं मेरे को, लेकिन बिना शक्कर की चाय पीता हूँ। तो चाय पीने के बाद मिलता हूँ, आपने वीडियो की क्लिप देखी तो कैसी लगी? घर में सामान रखा है तो यूज ही करना है उसका, क्योंकि हमारे जमाने में जब मेरी शादी हुई थी या कृषि की शादी हुई थी घर में, तो तब ये सामान ये चोचले चलते नहीं थे, लेकिन अब ये चोचले चालू हो गए। हम लोग ऐसे चोचले ही बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा। और ये सामान ये चोचले चलते थे पहले, नहीं चलते थे, अभी जो सामान जब हमारे घर में रखा है पड़ोस में तो यूज ही कर रहे, तो हमने यूज कर लिया। तो ये वीडियो और क्लिप पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कर दे। तो मैं चाय पी के मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो मेरे भाई मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपकी शादी, पता नहीं कितने लोग मेरे ब्लॉग में शादीशुदा हैं और कुंवारे हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनकी समय सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिसकी शादी नहीं हुई तो उसके लिए बता रहा हूं कि अगर आपको शादी में खुश, शादी के बाद खुश रहना है तो आपको क्या करना है, मैं साक्षात तो मतलब आपको बता सकता हूं, क्योंकि इस समय अवेलेबल है हमारी वाइफ। तो बताएं क्या करना है खुशी, मतलब शादी के लिए एक पुरुष को क्या करना चाहिए अपने जीवन में खुश रहने के लिए, क्या? अपनी बीवी को खुश रखना चाहिए, बस। तो बस अपनी बीवी को खुश रखना चाहिए। और खुश कैसे रख सकते हैं, मतलब जो भी एक्सेप्ट है, जो भी काम हो घर के, घर से मतलब के मतलब शॉपिंग वॉपिंग और जो कुछ देखभाल जो भी है सब, नहीं, नहीं, नहीं। तो सुख दुख मतलब हर एक चीज में संग देना चाहिए। हाँ, संग वाला खेल, संग वाला काम तो बीवी भी घर के करती है, जेंट्स भी करते हैं बहुत से। हाँ तो मेरी बातों को बुरा नहीं लगे, किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, नहीं मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। बहुत से जो जेंट्स रहते हैं वो अपनी लेडीज के बारे में सोचते हैं कि चलो वो परेशान हो रही है तो मैं उसका हाथ बटा दूंगा, बच्चों के वजह से वो परेशान हो जाती है, तो इसमें कोई वो नहीं होता है कि चंचागिरी हो गई लेडीज की, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने जैसा समझते हैं, और बहुत से आदमी टॉर्चर देते हैं कि तुम मेरे से काम करवाती हो घर का, ऐसा नहीं। तो भाई आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, ठीक है? फिर अगली बार कोई और सवाल, ये सवाल दोबारा जीवन में कभी नहीं पूछेंगे अपन, ठीक है? तो अगर खुश रहना तो ये सब करना है बस। तो अभी चलते ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई मैं आप सभी को बता दूं, हमारे घर में जो सबसे शैतान व्यक्ति है वो आ चुका है स्कूल से, और करीबन आधे घंटे से अपनी ड्रेस उतारने की कोशिश कर रहा है। स्कूल से आया क्योंकि आज उनका हाफ डे था, और आधे घंटे से अपनी ड्रेस उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर ड्रेस उतारने के लिए आखिरकार उसने इस चीज में सफलता प्राप्त की, और ड्रेस का आखिरी बटन रह गया उसकी शर्ट का, और उतारने में उसने सफलता प्राप्त करते हुए कुछ ही क्षणों में उसे सफलता मिलने वाली है, और तोड़ मत देना बस मेरे भाई। और ये देखिए उसको सफलता ही मिलने वाली है, लेकिन वो चूक रहा है, और जिसने सफलता प्राप्त की इसी प्रकार से इसको एक रन और जोड़ा से खाते में। सो गाइस अभी जी स्कूल से आया है अंशु, तो जैसे आया स्कूल की ड्रेस उतारी फेंकी और चला गया सीधा बाहर, क्योंकि आज बाहर हो रहा है प्रोग्राम, डांस बाजे गाना ढोल नगाड़े सब हो रहे हैं बाहर। तो अब है इसकी बारी। अरे ये नंगा तो हो जा, मतलब पेंट तो उतार ले मेरे भाई, ये तो उतार ले, ये कौन उतारेगा? और डांस करके दिखा जरा मेरी ऑडियंस को, डांस करके दिखा जरा ऑडियंस को, ये भैंस की टांग, ये बात शाम को भाई ऐसे डांस होने वाला है हमारे यहाँ। तो
क्योंकि आज है बारात और आएगी बारात पता नहीं कहाँ से आ रही है, ये पता नहीं कार्ड में लिखा है, क्योंकि जिस दिन कार्ड आया था और उस दिन मैं था नहीं, और उस दिन मैं गया था मुंबई, और मुंबई का तो आपको पता ही किस कार्ड में और कैसे कैसे मुंबई में गया, कैसे कैसे स्ट्रगल की मैंने भाई, छोड़ो तुम इस चीज को। तो हेलो गाइस, कैसे हैं, मैं कृष्ण सिंह, स्वागत, आप देख रहे हो ग्वालियर ब्लॉग्स। तो गाइस अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ, तो गाइस अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ, अभी मैंने कपड़े भी उतार लिए हैं और अभी मैं घर पे भी हूँ। तो गाइस अभी पापा है ना, हाँ हल्दी लगाए हुई है। तो गाइस ये देखिए पापा, हाँ दिख रहा हूँ कुन्नी से दिख रहा हूँ, हाँ कुन्नी से दिख रहा हूँ गाइस। और अभी सूर्यांश की बारी हल्दी लगने की, तो गाइस सूर्यांश को भी कैसे हल्दी लगा देते हैं अपन, ये देखिए थोड़ा सा लग गया क्या, नहीं लगा यार, बच गया। सो गाइस अभी मुझे हल्दी नहीं लगा, तो सो गाइस अभी अभी है ना, अभी गाइस अभी शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, अभी बारात आएगी। सो गाइस ऐसे नाचेंगे, भूलने मचाएंगे, भवन बचा देंगे पूरी गाइस। सो गाइस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नहीं भूलना। सो थैंक यू सो मच, बाय। सो देखा आपने सूर्यांश का ब्लॉग बनाने का तरीका, मतलब धीरे धीरे वो सीख रहा है और भविष्य में अच्छा ब्लॉगर बन सकता है ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं आपको लगता है कि लगता। उसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है और सुनने का तरीका तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि सुनता ही नहीं किसी की, अपने मन की करता है बिल्कुल को, तो बोलने का तरीका उसका अच्छा है, तो शायद भविष्य में वो अच्छा ब्लॉगर बन सकता है, है ना, बन सकता है ना। तो टेंट लगाने वाले व्यक्ति हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये टेंट बड़ा है थोड़ा सा कचरा, उसको करवाना है हमें साफ। तो इसका नाम क्या, कुक्कू क्या नाम है तेरा, रे नानू, तो नानू टेंट वाला अभी टेंट खोलेगा, कचरा निकालेगा, तो नानू फटाफट से कर दो तैयारी है पूरी। तो तैयार हो गया टेंट पूरा, इधर से उधर तक पूरी तैयारी चल रही है, बस शाम को आनी है बारात। तो नानू शाम को आनी बारात, कहाँ से आ रही बारात, नानू खुद नहीं पता। तो मेरे दोस्त निकल चुके हैं हम घर पर से बाहर मार्केट की ओर, और शादी है तो शॉपिंग भी होना जरूरी है, लेकिन उससे पहले जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे पेट में जो चूहे हैं वो तेज तेज चिल्ला के बोलते हैं कि मुझे भूख लगी। लेकिन आज क्या करें, आज शनिवार है तो हम कुछ खा भी नहीं सकते, तो अगली बार से कुछ करेंगे उनके लिए, तो चूहे मार डालेंगे अंदर के पेट के, तो तभी व्रत रह सकते, वरना व्रत नहीं रह सकते, क्योंकि अंदर के जो चूहे रहते हैं वो चिल्ला चिल्ला के मेरे से खाना मांगते हैं, और मेरे साथ हैं, और इन्हें क्या छूट सकते, क्योंकि शॉपिंग मेरी नहीं इनकी होनी है। और हमें कुछ लेना है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं लेना है, शादी में देने के लिए कुछ लेना है, बाकी मेरा हिसाब किताब तो रहता है किसी की शादी में दो तो कैश दो, और कैसी वापस आता है, और बस यही कुछ था। अभी आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या लेते हैं। और अभी हम खड़े हुए हैं बैजाताल रोड पर, बैजाताल जी बोलते हैं ना शायद, हाँ मैं शायद इसका वीडियो पहले ही बना रखा है। और शाम के टाइम होती है यहाँ पर बोटिंग, और बोटिंग में आप अभी कभी, ये इलेक्ट्रिकल बोट है शायद जो सामने चल रही है, वो पैडल वाली बोट है, मैंने आपकी वीडियो पहले वाली वीडियो बना रखी है, और कुछ ऐसा है पीछे रहा मोती महल, तो चलते हैं सीधे यहाँ से बाहर, ये खड़ी अपनी धन्नो, और चलते हैं सीधे मार्केट की तरफ इस तरफ। अरे उल्टा लगा रही है एटीएम, तो मेरे गाइस, ओए मेरे दोस्त, मेरे भाई, तेरे को एटीएम लगाना नहीं आ रहा, ये से करते हैं, और ये वाला पिन है ना इसमें लगाते हैं अंदर की तरफ, तो भाई एटीएम चलाना सिखा रहे हैं इसको, ओ देखा इसमें लगाते हैं भाई। अरे ये दिख ही रहा है, ये दिख रहा ना, ये इसमें इसमें ऐसे अंदर, तब तक कितनी हो जाए। तो भाई एटीएम चलाना सिखा रहा हूं उसको, और एटीएम चलाने के बाद पहली बैंक खाली होने वाली है। ओ भैया उसकी डांग फड़ 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 फड़, पहली बार पैसे निकाले कैसा लग रहा है, ये तो मुझे रखना है। तो देवी और उनके देवताओं का सभी को पता है कि हम गए थे अभी शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग पे हो गया हमारा मोटा खर्चा, ये दिख रहा है ना सर, इनके पूरे कैश और एस थे, कैश मेरा था एस इनके थे। तो चलते हैं सीधे घर पर, चलते फटाफट से घर पर, क्योंकि घर पर भी सब लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज है शादी घर के आजू बाजू। सो भाई वाकई में मोटा खर्चा हो गया, और मोटे खर्चे करने के बाद आ गए हम घर पर, और अभी बज रहे हैं 6, और 6 बजे होता है हमारा चाय पीने का टाइम, तो फटाफट चाय पीते हैं। और बाहर आपको बैकग्राउंड में शायद आवाज नहीं आ रही होगी, हमें नॉइज कैंसिलेशन लगा हुआ है, तो बाहर की तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं चलता हूँ बाहर, दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी तैयारी कि क्या क्या तैयारी हो गई बाहर। तो भाई ये है बाहर का माहौल, बहुत जोरदार माहौल होने वाला है, रात में मटक मटक के खूब डांस होगा, करने वाले करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। और यहाँ पे चल रही है अभी तैयारी अपनी अपनी, तो
डांटे